जहां से कालिदास जैसे महाकवि और तानसेन जैसे लेजेंड आते हैं, वहां पर आज लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से कम रह गई है। जहां से अहिल्या बाई और अवंती बाई जैसी विमेन आइकन्स आती हैं, वो स्टेट आज फीमेल इन्फेंटिसाइड में टॉप कर रहा है। एक अकेला ऐसा भारत का स्टेट जहां पर डायमंड की माइंस मिलती हो, लेकिन फिर भी यहां भारत के सबसे गरीब लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, जिसके जंगलों में बैठकर जंगल बुक लिखी गई और जो हिस्टोरिकली और कल्चरली इतना ज्यादा रिच रहा है, उसकी पहचान आज एक बीमारू स्टेट की तरह रह गई। मगर ये सब हुआ कैसे, आओ आज डिटेल में समझते हैं भारत का दिल कहे जाने वाले इस स्टेट की दिल तोड़ देने वाली कहानी। एमपी को देश का दिल कहा जाता है और कहते हैं कि दिल का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का दिल गरीब है। पर्टिकुलरली स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दीज आर स्टेट्स व्हिच आर कीपिंग इंडिया बैकवर्ड, स्पेशली ऑन सोशल इंडिकेटर्स। क्या अमिताभ कांत ने जिन राज्यों को गिनाया है, सब बीजेपी शासित है, अधिकतर में 10-10, 15-15 साल से बीजेपी राज कर रही है। देखो, कोई भी जगह आज कैसी है इसको समझने के लिए उसके पास्ट में जाना जरूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली के अंदर 4-5 मुगल इन्वेडर्स की हिस्ट्री के अलावा भारत की बाकी हिस्ट्री हमें अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती। इसीलिए 1980s में बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आने वाले एमपी का ग्लोरियस पास्ट ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए जब हम अपनी बात शुरू करेंगे तो एमपी के पास्ट में जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1500 BC से 600 BC के बीच में। भारत में इसको वैदिक पीरियड बोलते हैं। उस टाइम पर भारत में 16 महाजनपद यानी किंगडम हुआ करते थे और इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम अवंती और चेदी आते थे मध्य प्रदेश में। आपने महाभारत में सुना होगा कि श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। ये शिशुपाल एमपी के दूसरे महाजनपद यानी चेदी के राजा थे और एमपी में उज्जैन का नाम काफी फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है, ये वो एंशियंट सिटी है जो भारत की सबसे पुरानी अर्बन सिटी कही जाती है और ये अवंती महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी। और उस टाइम पर आज के बिहार और ईस्टर्न यूपी को मिलाकर मगध का महाजनपद बनता था, ये अवंती का महाजनपद उसका सबसे बड़ा राइवल था। भारत में आज तक सबसे बड़े एम्पायर यानी मौर्यन एम्पायर के जो सबसे पावरफुल किंग थे सम्राट अशोक, उनका करियर भी अवंती के गवर्नर की तरह ही शुरू हुआ था और इन्होंने एमपी के अंदर सांची स्तूप बाद में जाके बनवाया। इसके बाद आता है मिडएवल पीरियड, जब एमपी के अंदर दो मेजर राजपूत क्लैन शुरू होती हैं, मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेल। आपने राजा भोज और गंगू तेल वाली कहानी सुनी है, ये राजा भोज भी परमार क्लैन के 9th किंग थे और इन्होंने ही भोपाल सिटी बनाई थी। परमार क्लैंग ने मोरेना के पास बाटेश्वर में 200 टेंपल्स बनवाए थे और चंदेल डायनेस्टी ने खजुराहो में 85 टेंपल्स बनवाए थे। इसके बाद साल आता है 1658, दिल्ली के अंदर औरंगजेब पावर में आता है और इसने एमपी के अंदर एक तरफ से टेंपल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। एमपी के अंदर जो आलमगीर मॉस्क बनी है वो ब्रिज मंडल टेंपल को तोड़कर बनाई गई थी। इसके 40 साल बाद मराठास का इमरजेंस होता है और ये मुगल रूल को चैलेंज करते हैं और इवेंचुअली एमपी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये मराठा अपने अटैक के लिए एमपी के अंदर लोकल पिंडारीज ग्रुप की हेल्प लेते थे। इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन जब मराठास ने इस रीजन पर कंट्रोल करा तो नॉर्थ एमपी के ग्वालियर में सिंधिया, मालवा रीजन पर इंदौर के होलकर्स और बाकी रीजन पर पवार और भोसले डायनेस्टीज कंट्रोल करती हैं। इस टाइम पर ही पोहा महाराष्ट्र से इंदौर निकलकर इंदौरी पोहा बन जाता है और इंदौर की क्वीन अहिल्याबाई होलकर भी इसी टाइम पर हुई, जिन्होंने पूरे देश में जा जाकर मंदिरों को रेनोवेट करवाने का काम किया। मुगल इन्वेजन के डिस्ट्रक्शन के बाद ये टाइम इस रीजन के लिए एक रीबिल्डिंग का टाइम था। अहिल्याबाई जी पर हमने भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। खैर, इस रीजन में मराठास का जो टोटल रूल था वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक चलता और इस बीच में उनके ऊपर लगातार कभी मुगल्स का अटैक हो रहा था, कभी ब्रिटिशर्स का अटैक हो रहा था। 3 बार अंग्रेजों से मराठा लड़ते हैं और इवेंचुअली मराठास के पास से एमपी का कंट्रोल 3rd एंग्लो मराठा वॉर के बाद चला जाता है और ये जो वॉर हुई थी इसमें भी पिंडारीज ने मराठा की काफी हेल्प करी थी। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे ना वो पिंडारीज से काफी चिढ़ गए थे। 30,000 पिंडारीज के अगेंस्ट इन्होंने 1,00,000 से ज्यादा सोल्जर डिप्लॉय कर दिए और इन पिंडारीज को ठग्स का नाम देकर इनके अगेंस्ट काफी प्रोपेगेंडा लिटरेचर पब्लिश किया। ये जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आप मूवी सुनते हो ये भी इन्हीं के ऊपर बनी थी। ये टाइम था 1820s, मराठास वीक हो चुके थे और ब्रिटिशर्स ने एक डेंजरस पॉलिसी के थ्रू एक के बाद एक किंगडम को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। ये पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी लोकल किंग का कोई उत्तराधिकारी या हायर जो है वो मेल ना हो तो उसका किंगडम ब्रिटिश हड़प लेते थे। ये उन सारे किंगडम्स की लिस्ट है जो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अपने कंट्रोल में कर लिए थे।
एमपी में इसके बाद 1857 में होता है रिवोल्ट इसी डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट, जब रानी अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये सारे जो फिगर्स हैं इस चीज को लीड करते हैं। ये रिवोल्ट पूरी तरह से सक्सीड नहीं कर पाया और इवेंचुअली एमपी को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया गया। फिर 1947 यानी अगले 90 साल तक ब्रिटिशर्स ही से कंट्रोल करते थे और यहां से चंद्रशेखर आजाद और पीआर अंबेडकर जैसे बड़े बड़े फिगर्स भी निकल कर आए। क्योंकि ये रीजन एक प्रिंसली स्टेट था इसलिए इसके एक्सटर्नल अफेयर को ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, लेकिन बाकी जो ऑपरेशन था वो यहां के रॉयल्स चलाते थे। एमपी शुरू से ही एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रीजन था, लेकिन सेंट्रल इंडिया में इसकी लोकेशन होने की वजह से यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप भी खूब ज्यादा था और उस टाइम पर जो कुछ रॉयल्स थे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करना भी शुरू कर चुके थे, जिसका रिजल्ट ये था कि इंडिपेंडेंस तक यहां पर 27 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी थी। जैसे ग्वालियर के महाराजा ने अपनी आर्मी के लिए पॉटरी वर्क और लेदर की इंडस्ट्री खुलवाई, इंदौर के रॉयल्स ने यहां पर टेक्सटाइल मिल्स खोलने का काम किया, उन्हें कंसेशन दिया। भोपाल के अंदर वहां के नवाब ने 1940s तक ऑलरेडी यहां पर 3 फैक्ट्रीज खुलवा दी थी। इसके बाद आता है 1947, भारत आजाद होता है और सेंट्रल प्रोविंस बन जाता है मध्य प्रदेश, लेकिन ये आज के मध्य प्रदेश से थोड़ा अलग था। नागपुर इसकी कैपिटल थी और पूरा छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वो भी इसी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन इसके बाद 1956 में एमपी और महाराष्ट्र के बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट का एक्सचेंज होता है और इसके बाद एमपी की कैपिटल भोपाल बन जाती है। और अगले 30 सालों तक एमपी की जो स्टोरी है इसमें 3 मेजर चीजें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहली चीज थी रूरल और अर्बन पार्ट में क्लियर डिवाइड। पूरे भारत की तरह आजादी के बाद एमपी की भी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन उस टाइम तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना बेकार काम हो रहा था कि खाना तक हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। और इसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब भी पंजाब और हरियाणा के कंपैरिजन में एमपी को ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि इस रीजन में पानी और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी और सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप कर सके। दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड भी इतनी तेज नहीं थी। आजादी के 20 साल बाद भी एमपी में सिर्फ 11 नई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही लग पाई थी, और ये जो लग भी रही थी ये भी सिर्फ कुछ बड़ी सिटीज जैसे भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में ही सेंटर थी। और इसकी वजह से धीरे धीरे बाकी रीजन्स ने निग्लेक्टेड फील करना शुरू कर दिया। यहीं से चंबल जैसे रीजन में आपने देखा होगा बागी बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारे लोग खुद को बागी बोलते हैं, डकैत नहीं बोलते हैं, और इन सबकी स्टोरी में सिस्टम का इग्नोरेंस एक काफी कॉमन थीम दिखाई देती है। जैसे बलवंत तोमर और नेशनल चैंपियन पान सिंह तोमर, जिनके लैंड डिस्प्यूट गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई। मलखान सिंह, जो टेंपल की लैंड पर इलीगल कब्जे के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे और उल्टे इन्हीं के ऊपर फेक केसेस लग गए और बाद में बागी बन गए। और इसके अलावा फूलन देवी, जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इन लोगों के साथ इस पूरे रीजन पर ही सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और एमपी की कुछ जो मेजर सिटीज को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर रीजन्स ऐसे ही इग्नोर्ड फील कर रहे थे। और ये जो 60s 70s का दौर था जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन खूब तेजी से करा, उसके लिए हमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए थे, और इसी के लिए एमपी के अंदर भोपाल जैसी मेजर सिटी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश होने लगी। इसके लिए हमने फॉरेन प्लेयर जैसे यूनियन कार्बाइड को भी इन्वाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन हम तब नए नए आजाद हुए थे, हमारे पास प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। और इस नेग्लिजेंस का पता तब चला जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने ऑलमोस्ट 4000 लोगों को खो दिया। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट हुए और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था वो बढ़ने लगा, लेकिन इसके बावजूद अभी भी एमपी की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी और ये जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसका इन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और इस तरह हम पहुंच जाते हैं 1980s में, और इस टाइम तक एमपी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसे बीमारू स्टेट की कैटेगरी में रखा गया। बीमारू का फुल फॉर्म था बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। उस टाइम पर एक इकोनॉमिस्ट थे आशीष बोस, इन्होंने राजीव गांधी जी के लिए इन 4 स्टेट पर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी जिसमें इन्होंने ये देखा कि 4 स्टेट में बर्थ रेट, डेथ रेट, फीमेल लिटरेसी जैसे जो 10 इंडिकेटर हैं उनमें स्टेट कैसा कर रहे हो, और इन सारे इंडिकेटर में वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट निकले। एमपी का नाम इन 4 स्टेट की लिस्ट में आना ये शो करता है कि उस टाइम पर एमपी की स्टेट की हालत कितनी ज्यादा खराब थी। इसके अगले 20 सालों में एमपी के लिए और ज्यादा टफ सिचुएशन बनने लगी। 1991 का जब लिबरलाइजेशन हुआ, पूरा देश में इतनी सारी इंडस्ट्रीज आने लगी, तब लगा शायद एमपी का बीमारू टैग हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लिबरलाइजेशन से एमपी के अंदर जो नॉन रूरल पॉपुलेशन थी उसको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन क्योंकि एमपी की एक मेजर पॉपुलेशन आज भी गांवों में थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, उनको इस लिबरलाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। ये टेबल देखो, 1981 से 2001 के बीच में एमपी का जो लिटरेसी लेवल है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो तो एमपी के हालात बॉटम 5 स्टेट्स के बराबर आते हैं। लेकिन अभी भी एमपी में सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। साल था 2000 जब छत्तीसगढ़ को एमपी से काट के एक अलग स्टेट बना दिया जाता है। उस टाइम पर आर्ग्यूमेंट था कि एमपी इतना बड़ा स्टेट है, 2 छोटे छोटे स्टेट बन जाएंगे तो डेवलपमेंट पर काम इजी हो जाएगा,
लेकिन डेटा एक उल्टी पिक्चर दिखाता है। 2001 में जहां एमपी लिटरेसी की लिस्ट में 24 नंबर पर आता था, 2011 में ये 28वें नंबर पर पहुंच गया। इकोनॉमी देखो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे इंडिकेटर्स और भी ज्यादा खराब होते चले गए। बाइफर्केशन के बाद अगर आप छत्तीसगढ़ देखो तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, लेकिन एमपी में ये इनकम कम होती चली गई। इनफैक्ट आज भी आप देखो तो छत्तीसगढ़ से एमपी की पर कैपिटा इनकम कम आती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड और फार्मर सुसाइड जैसे एरिया में भी एमपी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर निकला। जब 2005 में के मोहम्मद जी बाटेश्वर टेंपल को रीस्टोर कर रहे थे तो माइनिंग माफिया की वजह से उन्हें भी वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं तो बच गया, लेकिन एक यंग पुलिस आईपीएस ऑफिसर था, उसके कंटिन्यूएशन में बाद में 2012 में यंग आईपीएस ऑफिसर था, उनको इतनी बुरी तरीके से इलीगली माइन ट्रैक्टर के नीचे गिरा के जो ना उनके ऊपर जो ना गाड़ी चलाती है। और ये टेम्पल रिस्टोरेशन का काम इवेंचुअली बागियों को कन्विंस करके ही पॉसिबल हो पाया। इस बात से दिखाई देता है कि उस टाइम पर भी यहाँ पर माइनिंग माफिया और बागियों का काफी कंट्रोल था। लेकिन अगर आप लास्ट 20 साल देखें तो एमपी में कई सारे फैक्टर में बहुत तेज ग्रोथ हुई है। साल 2000 में स्ट्रगल करने वाला ये स्टेट 2014 में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन जाता है। लेकिन सवाल आता है कि इतना बड़ा मैजिकल चेंज कैसे हुआ। देखो, अभी तक की स्टोरी में जो मैं आपको एमपी की सबसे बड़ी वीकनेस बता रहा था उसी को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाने का काम करा, यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर पर फोकस करना शुरू करा। देखो, एग्रीकल्चर का सेक्टर एमपी के लिए शुरू से ही काफी इंपॉर्टेंट था। एमपी की 70% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बस प्रॉब्लम ये थी कि इस सेक्टर से पैसे नहीं बन पा रहे थे। एमपी में किसानों के पास पैसे नहीं थे और सरकार इरिगेशन फैसिलिटीज पर इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन लास्ट 20 सालों में अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इन दोनों ही एस्पेक्ट पर बड़े टारगेटेड ढंग से काम किया है, इसके लिए पॉलिसीज बनाई हैं और सिचुएशन चेंज कर दी है। 2003 से 2013 के बीच में फार्मर की इनकम 75% से बढ़ी। अभी भी ये नेशनल लेवल से कम है, लेकिन इंक्रीमेंट काफी तेजी से हुआ है। और एमपी में एग्रीकल्चर की ग्रोथ गेहूं के प्रोडक्शन की वजह से मेनली बढ़ी है। 2002 में भारत का सिर्फ 7% वीट यहां से आता था, जो कि अभी 17% हो चुका है। इनफैक्ट 2019 में एमपी ने वीट प्रोडक्शन के मामले में पंजाब को पीछे छोड़कर नंबर वन स्टेट भारत में बन गया। और इसी वजह से आज एमपी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 47% आता है, जबकि अगर आप ओवरऑल भारत में देखें तो यह नंबर सिर्फ 20% है। ये ग्राफ देखो, एमपी इसमें इकलौता ऐसा स्टेट आता है जिसकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ओवर द ईयर कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। एमपी की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी काफी मेजर इंप्रूवमेंट देखे गए। तो इससे पिक्चर बिल्कुल साफ है, एमपी की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। 2001 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम भी तेजी से बढ़ी है और डेट टू जीएसडीपी जो रेशियो होता है वो भी कम होता गया है। लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हुए हैं। स्टेट ने 6 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए हैं और गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप वाली पॉलिसी है इसने इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपने यहाँ अट्रैक्ट कर लिया है। इसके अलावा माइनिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में भी काफी इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। फार्मर सुसाइड भी यहाँ पर पहले से कम हुआ है, ये नंबर अभी भी काफी बड़ा है लेकिन इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन इतनी ग्रोथ के बावजूद भी एमपी आज भी उन 4 स्टेट्स की लिस्ट में आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एमपी की ग्रोथ मेजरली सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, इससे फार्मर की इनकम बढ़ी है लेकिन बाकी एस्पेक्ट जैसे एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर अभी भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन की लिस्ट में अगर आप देखें तो एमपी नीचे से 6th नंबर पर आता है। इस मैप में भी आप देखोगे एमपी के चारों तरफ के जो स्टेट हैं वो एवरेज परफॉर्मर है, लेकिन एमपी रेड में दिखता है यानी कि वर्स्ट परफॉर्मर में आता है। हेल्थ केयर में भी आप देखेंगे एमपी की रैंक नीचे से 6th नंबर पर आती है। इसमें अगर आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी का स्कोर देखें तो एमपी सबसे खराब परफॉर्म करता है। बिहार और झारखंड इसमें काफी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि 2005 और 10 के कंपैरिजन में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। पॉवर्टी इंडेक्स अगर आप देख लें तो यहां पर भी एमपी बॉटम 5 स्टेट्स के साथ में नजर आता है। इनफैक्ट आज भी एमपी की 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। इनफैक्ट अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें जिसमें इनकम के अलावा हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड भी गिना जाता है तो एमपी का नंबर नीचे से सिर्फ बिहार और झारखंड के बाद 3rd नंबर पर आता है। इसके अलावा व्यापम जैसे स्कैम की वजह से स्टेट का नाम भी काफी खराब हुआ है और जिस तरह से सैंड माफिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस वालों को खुलेआम मार देते हैं उससे दिखाई देता है कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। अब इतने सारे डेटा पॉइंट मैंने आपको बता दिए तो आपको एक बात बिल्कुल साफ हो गई होगी, जब बीजेपी ये क्लेम करती है कि उसने एमपी को बीमारू स्टेट से बाहर निकाल दिया है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकारों ने 10 साल में जो कमाल कर दिया है वो बीमारू राज्य से आज एक सशक्त राज्य के रूप में उभर करके आए हैं।
तो उनका क्लेम आधा सच है। एमपी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर जैसे सबसे इग्नोर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर को टारगेट किया। इसमें इन्होंने काफी अच्छा काम करा, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ मेनली एक सेक्टर से आई है, इसीलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इतने सारे मेजर इंडिकेटर्स के बीच में एमपी की स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस देखकर ये समझ में आता है कि डेवलपमेंट में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। और आपको एमपी की इतनी सारी पुरानी हिस्ट्री के साथ ये जो आज के डेटा का कॉन्टेक्स्ट है, मुझे नहीं लगता कोई भी एक वीडियो में समझा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एमपी के अंदर इंदौर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां पर सफाई के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। बिहार और बंगाल पर भी ऐसे स्टेट वाले वीडियो बनाए हैं, तो उन सबको भी जाकर आप चेकआउट करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।